तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजीरेक्स अकाउंट के बारे में कि आप अपना बजीरेक्स का अकाउंट किस प्रकार से बना सकते हैं और उसकी पूरी KYC किस प्रकार से कर सकते हैं। यह सब हम आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाले हैं और हम आपको अकाउंट भी बनाकर दिखाएंगे इसी वीडियो में। आप भी इस वीडियो को देखकर अपना अकाउंट बना सकते हो और अपनी फुल KYC कर सकते हो। दोस्तों आपको बता दें, बजीरेक्स इंडिया में क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजर बहुत ही ट्रस्टेड एप्लीकेशन है और सबसे ज़्यादा लोग इसी एप्लीकेशन को यूज करते हैं। दोस्तों इस एप्लीकेशन में आप किसी भी करेंसी को बाय करके होल्ड कर सकते हैं, ये आप किसी भी करेंसी को एक्सचेंज करके अपने इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं और उस पैसे को अपने अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो दोस्तों यदि आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी को बाय करना चाहते हैं और उसे होल्ड करना चाहते हैं, ये आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना चाहते हैं, तो आपके लिए बजीर एप्लीकेशन होना ज़रूरी है और उसकी फुल KYC भी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों बजीरेक्स का अकाउंट बनाने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट बजीरेक्स की वेबसाइट पर आ जाएंगे। जैसे कि यह देखिए हमारे व्हाट्सएप पर एक लिंक है, हम इस पर क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट बजीरेक्स.com पर आ जाएंगे। अब दोस्तों जैसे ही हमारी यह वेबसाइट ओपन होती है तो हमारे सामने दो ऑप्शन होंगे, पहला बजीरेक्स एप्लीकेशन यूज करने के लिए और दूसरा क्रोम ब्राउजर में यूज करने के लिए। दोस्तों हम एप्लीकेशन से अकाउंट बना के दिखाएंगे, तो हम ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। ये देखिए हमें ओपन लिखा हुआ दिख रहा है। जैसे ही हम ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यह हमें डायरेक्ट प्ले स्टोर पर ले जाएगा और बजीरेक्स के एप्लीकेशन पर ले जाएगा। दोस्तों हमारे सामने बजीरेक्स एप्लीकेशन आ चुकी है, हम इसे इंस्टॉल होने देते हैं। और जैसे ही हमारी यह एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाती है, यह देखिए अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। जैसे ही हम इसे एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो यह देखिए हमारे सामने बजीरेक्स एप्लीकेशन ओपन हो जाती है। अब यह देखिए हमें ऊपर सेटिंग वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, हमें यहाँ पर क्लिक करना है। अब दोस्तों यह देखिए हमारे सामने साइन अप वाला ऑप्शन आ गया है, हमें सबसे ऊपर ईमेल आईडी डालनी है और दूसरे नंबर पर पासवर्ड और फिर कन्फर्म पासवर्ड। दोस्तों हमें पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड में एक जैसा पासवर्ड डालना है, जो भी पासवर्ड हमें डालना है। दोस्तों नीचे आपको रेफरल आईडी दिख जाएगी, फिर आपको यहाँ पर एक आइकन मिलेगा टिक करने के लिए, हम इसे टिक कर देते हैं और साइन अप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। दोस्तों जैसे ही हम साइन अप वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने रीकैप्चा कोड आएगा। दोस्तों यह देखिए हमारे सामने रीकैप्चा कोड नहीं आया है, आपके पे कैप्चा कोड भी आ सकता है, तो दोस्तों हमारे पे नहीं आया है, ये ऑटोमेटिक फिल हो गया है। अब दोस्तों ये देखिए हमारा अकाउंट बन चुका है इसमें, अब हमें इसकी KYC करनी है, तो हमें ऊपर सेटिंग वाले ऑप्शन पर ही क्लिक करना है। तो हमारे सामने इस प्रकार के ऑप्शन आ जाते हैं, हमें मोबाइल नंबर वाला दिख रहा होगा, मोबाइल नंबर रजिस्टर वाला ऑप्शन, हमें यहाँ पर क्लिक करना है। तो हम अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर रजिस्टर कर देते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको फुल KYC करके दिखाएंगे और आप भी अपने अकाउंट की KYC इसी प्रकार से कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है और सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। दोस्तों हमारे नंबर पर एक OTP आएगा और उसे हम यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे, तो दोस्तों हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। दोस्तों हमारा OTP आ चुका है, अब हम अपना OTP यहाँ पर फिल कर देते हैं और क्लिक कर देते हैं, तो अब हमारा ईमेल वेरीफिकेशन होगा। दोस्तों अब हमारे ईमेल आईडी पर एक कोड गया होगा, जैसे कि हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP आया है, इसी प्रकार का कोई हमारे ईमेल आईडी पर एक कोड गया होगा, हम उस कोड को देख लेते हैं और यहाँ पर उसे फिल कर देंगे। तो हमारी ईमेल आईडी पर भी एक OTP आ चुका है, एक कोड आ चुका है, हम इस कोड को देख लेते हैं और बजीरेक्स एप्लीकेशन में फिल कर देते हैं। दोस्तों ये देखिए जो कोड हमारे ईमेल आईडी पर आया है उसको हम यहाँ पर फिल कर देते हैं और ऑथेंटिकेट वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देते हैं। तो यह देखिए हमारा नंबर रजिस्टर हो चुका है, अब हम कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमें वेरीफाई अकाउंट के लिए ऑप्शन आएगा। दोस्तों यह देखिए हमारी ईमेल आईडी पर एक ईमेल भेज दी गई है, जहाँ पर हम ईमेल आईडी खोलते हैं तो हमें वेरीफाई अकाउंट का ऑप्शन दिखाई देगा, हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा यह अकाउंट वेरीफाई होगा। दोस्तों हम उस ईमेल को खोल लेते हैं अपनी जीमेल में आकर, तो यह देखिए हमें यहाँ पर वेरीफाई ईमेल वाला ऑप्शन दिख रहा है, हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारा यह अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। तो यह देखिए हमारा अकाउंट ईमेल आईडी के साथ सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। अब हम अपने बजीरेक्स की एप्लीकेशन में दोबारा से आ जाते हैं। तो जैसे ही हम अकाउंट में आ जाते हैं तो हम एक बार अपने अकाउंट को रिफ्रेश मारते हैं तो हमारा ईमेल आईडी के साथ अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। ईमेल आईडी वेरीफाई होने के बाद अब हमारे पास सिक्योरिटी के लिए ऑप्शन आएंगे। दोस्तों हमारे अकाउंट की सुरक्षा के लिए हम मोबाइल SMS का इस्तेमाल करेंगे, आपको दिख रहा होगा दूसरे नंबर पर, हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक SMS आएगा, उसमें कुछ OTP आएगा, हम उस OTP को यहाँ पर डाल देंगे। दोस्तों हमारे मोबाइल नंबर पर OTP आ चुका है, हम OTP को यहाँ पर फिल कर देते हैं तो हमारा अकाउंट बिल्कुल सिक्योर हो जाएगा। ये देखिए हमारी सिक्योरिटी सेटिंग अपलोड हो चुकी है, हम ओके पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने न्यू ऑप्शन आएंगे। अब हमारी KYC के लिए ऑप्शन आ चुका है, यह देखिए अगर हम KYC पर स्किप करते हैं तो दोस्तों हमें सभी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा, और हम विद KYC पर क्लिक करेंगे कंप्लीट KYC तो हमें सभी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। तो हम सबसे ऊपर यह देखिए कंट्री इंडिया है और यहाँ पर
टाइप ऑफ केवाईसी यहाँ पर कंपनी के लिए है या पर्सनल अकाउंट। तो दोस्तों हम पर्सनल पर क्लिक करते हैं और कंप्लीट केवाईसी पर क्लिक कर देते हैं। दोस्तों नीचे दिख रहा होगा आपको, हम यहाँ पर क्लिक करते हैं कंप्लीट केवाईसी। तो ये देखिए आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी यहाँ पर। यहाँ पर आप अपना पहला नाम डाल दीजिए और मिडिल नाम डाल दीजिए और लास्ट नेम। दोस्तों अगर आपका इनमें से नहीं है तो रहने दीजिए। दोस्तों हम लास्ट नेम फिल कर देते हैं। अब हम यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं और उसके नीचे अपना एड्रेस डाल देते हैं। दोस्तों एड्रेस जो आधार कार्ड में है हम वही आधार कार्ड का एड्रेस डाल देते हैं यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर हमें अपना स्टेट दिखाई देगा, इसके नीचे जो भी हमारा स्टेट राज्य है हम उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों ये देखिए हमें यहाँ पर सभी राज्य शो हो जाएंगे। तो दोस्तों हम अपना राज्य यहाँ से जल्दी से सिलेक्ट कर लेते हैं। राज्य सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे अपनी सिटी सिलेक्ट करनी है। आपकी जो भी सिटी है आप उसको यहाँ पर फिल कर दीजिए या आप अपना डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों हम अपनी सिटी यहाँ पर फिल कर देते हैं और इसके बाद नीचे हमें जिप कोड वाला ऑप्शन दिखाई देगा। हम यहाँ पर अपना पिन डाल देंगे, जो भी हमारा पोस्ट ऑफिस का पिन कोड है हम वो यहाँ पर डाल देंगे। तो यह देखिए इसके बाद हमें नीचे पैन कार्ड नंबर दिखाई देगा, जो भी हमारा पैन कार्ड पर नंबर है हम उस पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर फिल कर देंगे। और इसके नीचे री एंटर पैन नंबर आएगा, उसको भी हम यहाँ पर पैन कार्ड नंबर डाल देंगे सेम एक जैसा ही। दोस्तों यह देखिए हम दोनों स्थानों में पैन कार्ड नंबर डालने के बाद हमें पैन कार्ड की फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करनी है। पैन कार्ड की फ़ोटो अगर हमारे फ़ोन में सेव है तो हम उसको भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं या हम डायरेक्ट कैमरे से खींच के भी फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों हम अपने पैन कार्ड की फ़ोटो अपलोड कर देते हैं। तो अब नीचे हमारा डॉक्यूमेंट टाइप ऑप्शन दिखाई देगा, हमें नीचे आधार ऑप्शन दिख रहा होगा, हम आधार ही रहने देते हैं और यहाँ पर आधार नंबर डाल देते हैं। अब दोस्तों इसके नीचे भी हमें आधार नंबर फिर दोबारा से डालना है सेम, और फिर हम अपने आधार कार्ड की फ्रंट साइड की और बैक साइड की फ़ोटो अपलोड कर देंगे। तो हमने दोनों तरफ की फ़ोटो अपलोड कर दी है। अभी यह देखिए हमें लास्ट में सबसे नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा, हमें अपनी सेल्फी लेनी है और हमारे हाथ में आधार कार्ड होना चाहिए कुछ इस प्रकार से, जो कि इसमें दिखाया गया है। तो दोस्तों आप भी अपनी सेल्फी ले लीजिए और यहाँ पर उस फोटो को सबमिट कर दीजिए। तो हमने अपनी सेल्फी आधार कार्ड के साथ ले ली है, हम उस सेल्फी को यहाँ पर अपलोड कर देंगे और दोस्तों सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो हमारी सभी डिटेल सबमिट हो जाने के बाद अब हम फिर से होम पेज पर आ चुके हैं। यह देखिए हम यहाँ पर ऊपर चैटिंग वाले ऑप्शन पर फिर से क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ ऑप्शन आते हैं। यह देखिए हम वेरीफाई योर अकाउंट पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यह पेज खुल जाएगा जिसमें कि हमारे सभी टास्क कंप्लीट हैं और हमारी केवाईसी की डिटेल भी दी जा चुकी है। दोस्तों कुछ ही टाइम में या एक दिन बाद हमारी यह केवाईसी अप्रूव हो जाएगी और हमारी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको भी अपना बजीरेक्स का अकाउंट बनाना है तो इस प्रकार से बनाकर साइन अप करके और अपनी केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। तो साइन अप लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से क्लिक करके डायरेक्ट बजीरेक्स की वेबसाइट पर पहुँच जाओगे और आप ब्राउजर के द्वारा भी अकाउंट बना सकते हो और एप्लीकेशन के द्वारा भी। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले एक और नए वीडियो में। थैंक यू।